गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर मॉक टेस्ट चल रहा है आपका, सॉल्यूशन सेट नंबर वन का चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा कोशिश किया है और काफ़ी बढ़िया ड्राइंग भी बनाया है, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम सॉल्यूशन का क्लास यहाँ पर रखा हुआ है और सॉल्यूशन करके बताएंगे भी कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी। जो आइसोमेट्रिक में दिया गया था उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना था, उन क्वेश्चन को कैसे हम बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत ही समझ करके उस ऑब्जेक्ट को हम ड्रा करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, और देखने से पहले उसको समझेंगे कैसे, कितना किसका कितना डायमेंशन है, किस प्रकार का है ऑब्जेक्ट, उस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद तब हम जो है डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ड्रा करते हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो देखिए यहाँ पर आपका ये फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, और आपको बनाना किस में है, थर्ड एंगल बनाना है, ये आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो बनाने से पहले हमें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, एक एक बात आप ध्यान से सुनेंगे जिससे आपकी कोई भी ऐसी जो है बात ना रह जाए, जिससे आपकी छुपी हुई रह जाए, जिससे आप सुन ना पाए और आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट लाइन। अभी हम कोऑर्डिनेट वाले लाइन ले लेते हैं, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट लाइन है, जिसे हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना ही जरूरी है। ठीक है, अब ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, ये जो हमारी नीचे का लाइन है, ठीक है, जो पृथ्वी तल के समानांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो पृथ्वी तल के लंबवत खड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को आपको पता है। अब डायग्राम बनाने की बात आती है, कैसे बनाया जाता है। तो बनाने से पहले आपको बताया गया कि सबसे पहले देखा जाता है ये किस एंगल में दिया गया है, तो थर्ड एंगल में बनाना है हमें। अब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब हम सामने से देखते हैं तो हमें सबसे पहले आकार दिखाई देता है, आकार में क्या क्या है, लंबाई हाइट दिखाई देगी। तो देखिए इसमें लंबाई और टोटल का हाइट हमें पता करना है कितना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक आयताकार बॉक्स बनानी होगी, ऐसे ही सभी का फ्रंट व्यू का बनाया, उसके बाद टॉप व्यू का, उसके बाद साइड व्यू का। सबसे पहले इन तीनों चीजों को आपको क्लियर करना होता है। अगर आप इन चीजों को क्लियर करते हैं तो आपकी ड्राइंग गलत नहीं होती है और ज्यादा से ज्यादा आप सही ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं सामने से, यही ऑब्जेक्ट है हमारा, और इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगी, इसका आकार दिखाई देगा, ये किस आकार का है। तो आकार में देखेंगे लंबाई है, टोटल का यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और टोटल का हाइट ये देखिए बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर 25, 25, 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 ना, 50, 20, 70, 70 हमारी लंबाई होगी और 28 क्या होगी, हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे, 70 और 28 का एक आयताकार बॉक्स बना लेंगे। तो चलिए हम ड्रा करते हैं, और जो हम ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं वो हमारी हल्की लाइन होनी चाहिए, जो हमें टू एच पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम अभी उस ऑब्जेक्ट का जो है बाउंड्री लाइन ड्रा कर रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना है, उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रा करेंगे तब हम एचबी पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो थोड़ा सा लाइटली दिखे अच्छा से, बेहतर ढंग से। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इस ओरिजिन पॉइंट से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु से हम 10 mm या 15 mm अकॉर्डिंग टू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार से हम डायमेंशन छोड़ के चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 10 mm छोड़ के चलना है, ये मैं ले लिया, इसके बाद जो है ये मैंने लंबाई लिया, लंबाई हमारी कितनी है, 70, और मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूँ, आप लोग डायमेंशन के ही अकॉर्डिंग बनाएंगे आपको। ठीक है, गलत नहीं करेंगे आप। इसके बाद ये 70 है, तो हमने 70 ले लिया। लेने के बाद आपको हम क्या किया, बॉक्स बना दिया, ये मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करनी होती है, प्रोजेक्शन लाइन ले जानी होती है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना, अगर आपको क्लियर है तो प्रोजेक्शन लाइन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर हम आपको प्रोजेक्शन लाइन के ही द्वारा बताते हैं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट का
लाइन है वो छूट ना जाए, इसलिए आपको बताना पड़ता है। अब हम टॉप से जब हम देखेंगे तो आपको पता है जब हम टॉप से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है, इसकी लंबाई दिखाई देगी और इसके बाद इसकी चौड़ाई दिखाई देगी। ठीक है, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि टॉप से हमें देखने पर क्या दिखाई देता है। तो लंबाई एंड चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 70, चौड़ाई कितना है 40। तो हम ले लेते हैं, आप लोग डायमेंशन के ही अकॉर्डिंग बनाएंगे आपको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 40 मैंने ले लिया। देख लो कैसे कैसे बनाया जाता है, केवल देखने का थोड़ा सा अगर नजरिया ठीक रखोगे, अच्छा से समझोगे तो सारा डायग्राम आप अच्छे से बना पाओगे, गलत ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम साइड व्यू की बात करते हैं। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज और ध्यान देना है हमें कि जब इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं हम, तो ये हमारा किस एंगल में है, थर्ड एंगल में, और थर्ड एंगल में है तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ होना चाहिए, राइट साइड, क्योंकि राइट साइड है तो राइट साइड ही बनना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड बनेगा। ठीक है, तो अभी हमें इस साइड बनाना है, इसको भी ध्यान देके चलना है। ये मैंने फ्रंट व्यू, इसके बाद इसका टॉप व्यू बना देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर लाइन आप ले लेंगे, ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के ऊपर क्या बनता है टॉप व्यू थर्ड एंगल में। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वहां से हम क्या करते हैं 45 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। इसके बाद ये सारी प्रोजेक्शन लाइन इधर आएगी सीधा सीधा और ये नीचे की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये अपने आप बता देता है कि हमारी जो है साइड से जब हम देखते हैं तो क्या दिखाई देती है। साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, इसकी चौड़ाई दिखाई देगी और इसके बाद क्या दिखाई देती है, हाइट दिखाई देती है। तो ये देखिए चौड़ाई हो गई और ये हमारी हाइट हो जाएगी। इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान दे के ही काम करना है, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। तो चलिए अभी हम इसका हाइट लेते हैं, इसके बराबर मैंने बना दिया। ठीक है, तो अभी हम सारी प्रोजेक्शन लाइन को ड्रा कर चुके हैं और हमने बॉक्स में निर्माण कर लिया है। देखिए अब हमारी जो ऑब्जेक्ट लाइन है यानी बाउंड्री लाइन और हमारी प्रोजेक्शन लाइन अलग अलग दिखाई दे रही है कि नहीं, ये अलग अलग होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए, प्रोजेक्शन लाइन एंड ऑब्जेक्ट लाइन में अंतर होना चाहिए, तब जाके आपकी ड्राइंग सही होगी। आप लोग क्या करते हो, एक ही पेंसिल का इस्तेमाल करते हो तो वो गलत है आपके साथ। तो अभी हम यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो अब इस सामने से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो देखिए ये क्या क्या दिखाई देगा। देखिए ये चीज दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जितना दिख रहा है वही सारा चीज दिखेगा। तो जैसे जैसे है डायमेंशन के अकॉर्डिंग, आपको डायमेंशन के अकॉर्डिंग बना देना है। तो चलिए हम बना देते हैं। सबसे पहले नीचे का डायमेंशन कितना है, 6 है, तो हम 6 ले लेते हैं। तो चलिए अभी हम 6 ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 6 ले लिया, हाइट हमने 6 लिया है और इसकी जो लंबाई है कितना है 20 है, तो 20 हमने ले लिया। इसके बाद ये लाइन सारी क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब इसके ऊपर आप ये जो लाइन है ये हमारी खाली है और नीचे की जो लाइन है वो बंद है, ये देखिए। ठीक है, यू आकार
का दिख रहा है तो यू आधार का हमने डायमेंशन के अकॉर्डिंग बना दिया। बनाने के बाद अब ये लाइन कहाँ तक गई है ये पूरा जाके मिल गया है, कहाँ मिला है बाउंड्री लाइन पर जो लास्ट हमारी लाइन है वहाँ पर जाके आपको मिल गया है, आपको उसी अनुसार बना देना है। देखिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो बॉक्स कितना सहायता करता है ये आप खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब इसकी हाइट देखनी है कितना है, ये कितना है 7 है, तो 7 आपको ले लेना है। ये मैंने 7 ले लिया, 7 लेने के बाद ये मैंने पूरी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देख रहे हैं कि ये जो बीच का भाग है कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये खाली है, लाइन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो कितना होना 24 और 8 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 mm जो है क्या होगा ये बीच का भाग खाली हो जाएगा। कैसे, 15 mm इधर से और 15 mm इधर से, तो 15 mm हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 15 mm इधर हो गया, 15 mm इधर, बाकी का भाग जो है खाली है, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर लिया। करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसकी हाइट देखते हैं कितना गया है, ये टोटल बेस से जो है हमारी 28 है, ठीक है, यानी इस पॉइंट से, इस बेस से यहाँ से कितना है 28 है। तो अभी 7 mm अगर इसमें निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो 21 हमको क्या करना है, ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाए तो ये टोटल हमारी लंबाई थी पहले से हमने ड्रॉ किया था। बाकी देखिए इसके इधर का भाग खाली है और इधर का भाग खाली है टोटल, आपको भी ये लाइन को खत्म कर देनी है, ठीक है। मैंने खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद अब आप देख रहे हो कि ये जो भाग है ये 8 इधर आया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड, ठीक है। 8-8 mm हमको और ड्रॉ कर लेना है, तो 8-8 mm ड्रॉ कर लिया। जब मैंने 8-8 mm ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद अब क्या है कि ये देखिए नीचे भी आया है और नीचे कितना आया है ये आपको बता रहा है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो 12 और 15 कितना हो जाएगा 12 mm आना है। ये देखिए दिखा रहा है 12 mm नीचे आने के बाद हमको क्या दिखाना है, एक जो है यू आकार का स्लॉट कटा हुआ है अंदर की, ठीक है। तो 12 mm हम नीचे आएंगे, मान लेते हैं नीचे आ गए, यहाँ मेजरमेंट कर लेना है और इसका जो डिस्टेंस है ये बीचों बीच होगी 40 है, तो इसका 20 का आधा होगा, हम आधा सेंटर पॉइंट ले लिए। सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, ले लेंगे 12 mm, मान लेते हैं यहाँ पर आ गए। लेने के बाद अब ये कितना है, इसकी चौड़ाई 8 है, 4 mm राइट साइड 4 mm लेफ्ट साइड हम ड्रा कर लेते हैं। करने के बाद अब इसका देखते हैं हाइट कितना है, ये जो स्लॉट कटा हुआ है ये आपका ये 5 है, 5 आपको ऊपर तक ले लेना है। लेने के बाद अब क्या है, ये देखिए इंक्लाइंड मिलाया गया है, इधर भी मिला है और इधर भी मिला है, तो आपको क्या करना है, इंक्लाइंड की कोई लंबाई नहीं होती है, आपको मिला देना है। ये आपका जो है फ्रंट व्यू बनके पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी की प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की ओर ले जाएंगे ताकि हमें एक भी लाइन हमारी मिस ना हो जाए, इसीलिए हम प्रोजेक्शन लाइन को ले जाते हैं। तो चलिए हम सभी को प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं। ये देखिए सभी को प्रोजेक्शन लाइन जाएगी। और ये जो नीचे का बेस है इसका भी प्रोजेक्शन लाइन जाएगा, मगर अभी नहीं जाएगा, ठीक है। कब, जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये बेस जो दिख रहा है दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जब नहीं दिखाई देता तो क्या होता है, हिडन लाइन से जाती है, ठीक है। तो अभी हम लेट चल जाते हैं, ये मैंने सभी की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद क्या है, अब ध्यान देना है यहाँ पर, तो क्या ध्यान देंगे आप कि देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जब मैं ऊपर से देखा ये देखिए पूरा यहाँ से जो हमारा 40 mm है ये टोटल का टोटल हमारी प्लेट है, बेस है यहाँ से आता है। तो हमारी कहने का मतलब ये पूरा जाएगा यहाँ से आता, अगर 15 इधर है तो 15 इस साइड भी है। तो चलिए हम ये देखिए जो छूटा हुआ भाग है वही हम, ये जो छूटा हुआ भाग है इसी को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये देखिए मैंने खींच दिया प्रोजेक्शन लाइन से, इस साइड भी खींच दूंगा, तो ये दोनों हो गई, इसका बेस का ये 15 इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, ये टोटल लाइन हो गई। इसके बाद जब हम और ऊपर
ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमने ड्रा कर दिया। इसके बाद देखिए नीचे जो है इसका भी 5 mm है, नहीं 8 mm है, सॉरी 8 mm है। तो 8 mm का भी क्या है, दिखाई देगा ऊपर से, तो दिखाई देगा। तो इसकी भी देखिए प्रोजेक्शन लाइन लिया गया हमें, दोनों लाइन ये भी पूरी तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये मैंने पूरी तरीके से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब क्या है कि जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो क्या ये बेस दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और जब नहीं दिखाई देता तो क्या होता है, हिडन लाइन से ड्रॉ की जाती है। चलिए हम हिडन लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए प्रोजेक्शन लाइन ले गया था मैंने, इसको हम हिडन लाइन से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ भी हो जाएगा इसका हिडन लाइन, ये हमारा जो है टॉप व्यू बनके पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं साइड व्यू की ओर। जब साइड व्यू में आते हैं तो साइड व्यू में क्या होता है कि ये जो हम साइड से जब हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका ये बेस तो दिखाई देगा ही देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा था टॉप से दिखाई दे रहा था आपको, अब साइड से अगर देखेंगे तो ये भी दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा, ठीक है। ये सब सारी दिखाई देंगे साइड व्यू, तो साइड व्यू से जब हमें दिखाई देगा तो ये देखिए ये हमारा बेस है दिखाई देगा साइड से जब हम देखेंगे, और देखिए दिख भी रहा है, अगर देखेंगे तो ये दिखाई देगा यहाँ तक आया हमारा आर पार। इसका भी लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई देगा, इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये पूरा हमारा ये देखिए खाली है, ये हमारा पूरा खाली हो गया, ठीक है। इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात रह गई कि जब हम साइड से देख रहे हैं, जब हम साइड से देख रहे हैं तो क्या हमको ये जो स्लॉट कटा हुआ है तो क्या हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और स्लॉट कहाँ तक कटा है, ये आर पार पूरी तरीके से कटा हुआ है, ठीक है। तो जब नहीं दिखाई देगा साइड से देखेंगे तो क्या होती है, हिडन लाइन जाती है। हिडन लाइन जाएगी तो कहाँ से जाएगी, अब इसका प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना होगा, किसका, स्लॉट का, इधर हम इधर जो है ले आए। ले आने के बाद अब क्या करना होगा, अब इसके और कहाँ तक है, ये आर पार है, आर पार है, इसका मतलब ये फूल में हो जाएगा, ठीक है। अब जाके ये पूरे तरीके से जो है ड्राइंग बन के तैयार हो गई है। अभी एक चीज और छूट रहा है, अगर ये हमारी नीचे की लाइन है तो ये ऊपर का भी लाइन, जो हमारी हाइट है, जो हमारा यू आकार का स्लॉट कटा है, इसकी हाइट 5 mm है, तो 5 mm है तो ये तो दिखाई नहीं देगी, इसके अंदर नहीं दिखाई देगी, तो ये पूरी की पूरी ये दो लाइने हिडन लाइन दिखाई देगी, ठीक है। और इसका भी प्रोजेक्शन लाइन आप दिखा दीजिए, ये देखिए अब ये जाके अब पूरी तरीके से क्लियर हुआ आपकी ड्राइंग बनके। अब इसका नामांकन आप कर दोगे, यहाँ पे पहले डायमेंशनिंग करेंगे आप लोग अपने से, बढ़िया राइटिंग में लिखना है फ्रंट व्यू, उसके बाद साइड व्यू, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल। इसके बाद अगर टॉप में लिखना है आप ऊपर भी लिख सकते हो, अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो इसको इरेज करोगे, हल्का सा इरेज करोगे, ठीक है। और बीच में टॉप व्यू लिखोगे, ओके। अब जाके ये पूरी तरीके से आपकी ड्राइंग बन के निर्माण हुआ। अब अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है इस ऑब्जेक्ट को तो आप पूछ सकते हैं। जी किन्हीं को कोई डाउट बोलिए। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर। आवाज जा रही थी आप लोग को? सर जी बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर। नहीं सर। बोलिए आप लोग बोलिए। हेलो।
यस सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यस सर। सेंटर पंच आप देख पा रहे हो, इसी प्रकार को आपको सेंटर पंच बनाना है। ठीक है, ये सभी लोग बनाए हैं, जिनका थोड़ा बहुत मिस्टेक है वो अपना सुधार लेंगे इसको। और इन ऑब्जेक्ट को गलत नहीं करना है, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। मेन तो सभी होता है, मगर इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी है, और फ्री हैंड पर भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो आपका ये आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी हो गया, इसके बाद आपका ये जो है सेंटर पंच हो गया। इसके बाद अब बात आती है आपकी मैलेट की। ठीक है, तो मैलेट बहुत ही सिंपल है, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए हम बना के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग आराम से अगर बनाना चाहेंगे तो सारा कुछ बनेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप दिखा सकते हो हल्का फुल्का। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, मैलेट बन के पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हमारी बात आती है बालपिन हैमर की, तो बालपिन हैमर हम कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आप ड्राइंग को बना पाओगे अच्छे से। ये देखो बालपिन हैमर बन के रेडी हो गया। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? एनीवन? नो सर। नहीं सर। मुश्किल से 2 मिनट का काम है फ्री हैंड का, 2 मिनट, 5 मिनट बहुत ज्यादा है। तो अच्छे से अगर आप बनाना चाहोगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस 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 ही आपको बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी आप बना लिए। ठीक है, तो आपका ये बालपिन हैमर, ये मैलेट, ये आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी, सेंटर पंच। ठीक है, इसके बाद रह गया स्केल का क्वेश्चन। तो स्केल का क्वेश्चन आपको सारे कुछ क्वेश्चन को बताया गया है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं आप। नो